शालोम प्रियो, आप सबको हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिनंदन और हमारे चैनल में आप सबको स्वागत है। प्रियो, इस संसार में रहते समय एक विश्वासी के लिए सबसे अनिवार्य है पवित्र आत्मा। यीशु ने वादा दिया कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 28 का 19 और 20 में हमें ये मिलता है। यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण के बारे में सुनकर चेले लोग व्याकुल और चिंतित होने लगे, क्योंकि चेले लोगों को लगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़कर जाएंगे तो आगे हमारा क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह उन पर विश्वास करने वालों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। इस कारण प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने के पश्चात उन्होंने चेलों को पवित्र आत्मा भेज दिया, ताकि पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ और शक्ति दे और प्रभु की उपस्थिति महसूस कराए। प्रियो, यीशु मसीह स्वर्ग जाकर विश्वासियों के लिए दिया हुआ सबसे बड़ा दान है पवित्र आत्मा। इसलिए हर एक विश्वासी लोगों को उस पवित्र आत्मा से भरना अवश्य है। आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने इन बातों को रखना चाहती हूँ कि आपके अंदर पवित्र आत्मा होने का सबूतों के बारे में। जैसे एक मनुष्य के अंदर दुष्टात्मा जकड़ने का भी कुछ लक्षण होता है, जिसके विषय में हमने पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था, उसी प्रकार आज हम पवित्र आत्मा होने के लक्षण के बारे में भी जानेंगे। पहला चिन्ह है उद्धार के प्रति आत्मविश्वास, यानी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्वेशन। रोमियो की पत्री 8 उसका 16 में ऐसा लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रियो, अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है, तब आपको बार बार ये बात याद रहेगी कि आप प्रभु की संतान हैं। जब कभी भी हम दुनिया के बुरे बुरे कामों को करने से पहले पवित्र आत्मा आपको ये याद दिलाएगी कि ये काम नहीं करना चाहिए। आपके जीवन के दुख और संकट के समय में भी पवित्र आत्मा के द्वारा आश्वासन देता है कि आप परमेश्वर के बच्चे हो। प्रियो, इस संसार में रहते समय विश्वासी के जीवन को हर प्रकार की पाप और धार्मिकता के बारे में पवित्र आत्मा समझाती भी है, क्योंकि आप प्रभु के संतान होने के कारण आपको सही मार्ग पे अगुवाई करना भी पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए ऐसे लोगों के अंदर ये बात स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि ये उद्धार पाए हुए हैं। दूसरा सबूत है आत्मा के वरदान। पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह के चेलों पर और 120 लोग जो मरकुस के अटारी में उपस्थित थे उन पर उतरा, तब वे अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। अन्य भाषा पवित्र आत्मा के वरदानों में से सिर्फ एक है। पवित्र आत्मा के और भी वरदानों के बारे में पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में हमें मिलता है। वहाँ पर आत्मा के 9 वरदानों के बारे में लिखा है, जैसे कि बुद्धि का वरदान, ज्ञान की बातों का वरदान, विश्वास की वरदान, चंगाई करने का और सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनेक प्रकार की भाषा, भाषाओं का अर्थ बोलना। ऐसे बहुत सारे वरदान परमेश्वर की आत्मा के विषय में लिखा है, और पवित्र आत्मा जिसे जो चाहते हैं वो बांट देते हैं। पवित्र आत्मा का अगला सबूत है आत्मा के फल। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक वृक्ष अपने फल से ही पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झटबेरी से अंगूर। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है तो इन फलों से पता चलता है। गलातियों 5 का 22 में लिखा है, पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्रियो, ऊपर लिखे गए फल हमारे जीवन में भी प्रकट होने लगता है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। अगला है बाइबल की बातों को समझने की अनुग्रह। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने से बाइबल में लिखी गई बातों को समझने का आशीष भी हमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के बारे में यीशु ने कहा यूहन्ना 14 का 26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा
और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा आने से निर्बुद्धि लोगों को भी प्रभु अपने वचन से सिखाता है। हम देखते हैं यीशु के चेले लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर आत्मा के द्वारा वे गहरी गहरी बातों को कहते थे। प्रियो, आपके अंदर पवित्र आत्मा होने का अगला सबूत है कि आप औरों को भी यीशु के बारे में बताओगे, यानी सुसमाचार प्रचार करने की आदत। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं रहेगा, तब तक सुसमाचार की सेवा आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि यीशु ने कहा प्रेरित 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लिए गैर मसीहों के बीच में गवाह बनना और लोगों को सुसमाचार बताने का भी अनुग्रह हमें पवित्र आत्मा से ही मिलता है। आत्मा के बिना हम सुसमाचार ज्यादा दिन तक प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की सेवा भी आत्मा से ही होती है। आपके अंदर पवित्र आत्मा होने का अगला और एक मुख्य सबूत है पवित्रताई, होलीनेस, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देंगे कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक है। हमें इस बुरे संसार में पवित्रताई से रहने में हमारी मदद करता है। इसलिए आत्मा जिस पर वास करता है वह पाप में ना रहकर अपने जीवन को पवित्रताई में बढ़ाते हैं और आत्मा उनकी मदद करता है। अंतिम सबूत ये है कि आप निरंतर प्रार्थना करने लगोगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने से आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठने का मन करेगा और आप निरंतर प्रार्थना करने लगोगे, क्योंकि आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना के समय में बात कर सकते हैं। सुप्रियो, इन सारी सबूतों से हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या नहीं। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब कभी हम अपना नई वीडियो डालें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।